हाँ रामकृष्ण है। आज आपने घर में जो जैसे किचन में जैसे फ्रिज है और जैसे तेल है और जैसे नमक है, ये जैसे विषैली चीजें हैं और इसी वजह से जैसे अपने को कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, बीपी आ रहा है, हृदय विकार हो रहा है, ये जो बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो रहा है जैसे ये चीजों से हो रहा है, माइग्रेन है और जैसे आपको पेट की बीमारी है, ये चीजों से जैसे घर में घुसी है। तो जैसे आज मैं आपको जैसे तेल के बारे में क्या होना चाहिए, जैसे तेल कितना विषकारक है आज का, और आज का तेल जो ये है रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा विषारी है, जैसे जहर है ये जहर, समझ लो। आज जहर तो गरीब लोग तो नहीं तुप घी खा सकते, ये तुप नहीं खा सकते जैसे, लेकिन इसके लिए जैसे आप कम में यूज करिए तेल जो आज हो रहा है उसकी वजह से लोगों को बीपी आ रहा है, अचानक चक्कर आ रही है और जैसे पेट की बीमारी अलग अलग कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारी, हृदय विकार, हृदय विकार जैसे पहले तो ऐसी कोई चीज लोगों को सुनने में नहीं आती थी बीमारी, लेकिन आज इतना ये हो गया कि जैसे 8 10 15 साल के लड़कों को भी बीपी और हृदय विकार की जैसी बीमारी होने लगी, क्योंकि तेल की वजह से, ये रिफाइंड तेल की वजह से, रिफाइंड तेल में अलग अलग जो रासायनिक द्रव्य मिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से आज बीमारी हो रही है लोगों। तेल सबसे विषारी हो गया, सबसे ज्यादा जहर हो गया, सबसे ज्यादा विष हो गया, इसीलिए इसको बाहर निकलना है। इसको तो बाहर पूरा निकाल नहीं सकते अभी, लेकिन इसके लिए जैसे आप कम यूज में लाना है और कम यूज में ला के आप फिर थोड़ा आपका जो बीमारी है या बीमारी आने वाली है आपको, अभी अभी आपको कुछ नहीं हो रहा है आप तो ठीक है, लेकिन तेल ज्यादा यूज करना जैसे आप ज्यादा भजी ऐसी जो बहुत चीजें ये करके खाते हैं, ये थोड़ा तेल बहुत कम यूज करना है। ऑलरेडी आज लोगों को कोलेस्ट्रॉल आपके घर में भी है और जैसे चक्कर आना अचानक और जैसे बीपी बढ़ना जैसे हो रहा है, तो ये तेल की वजह से हो रहा है, इसीलिए तेल कम यूज करिए और तेल बहुत विषकारक है ये, इसीलिए तेल को ले दिला पर्याय जैसे, तो आप घी तो नहीं खा सकते, घी तो 500 600 रुपये आज के तौर पे 500 600 रुपये किलो है, लेकिन तेल जो है ये तेल थोड़ा कम यूज करिए आप, यूज करने में जैसे सब्जी में आप यूज कर रहे हैं, जैसे चपाती में आप ये लगा रहे हैं तो थोड़ा कम यूज करिए, जिसकी उसके लिए यही सॉल्यूशन है, इसलिए ये रिफाइंड के तेल के बारे में आपको बोलने वाला था, इसलिए मैं आज का वीडियो बनाया, इसलिए मिलेंगे ऐसी वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करें, राम कृष्ण हरि।